हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और अपने अच्छे अच्छे कार्यों में बिजी होंगे। फ्रेंड्स ये पर्सलेन फूल के पौधे हैं। इनके फूल भी प्रचुरता की तरह प्रतिदिन सुबह 9 बजे के आसपास ही खिलते हैं तथा शाम को लगभग 4-5 बजे मुरझा जाते हैं। फ्रेंड्स मैं हूँ आपका होस्ट एंड गाइड पी के जी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल बी कॉन्फिडेंट। फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इस चैनल पर मैं अच्छी अच्छी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव एंड मोटिवेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना पूरी तरह से मुफ्त यानी 100% फ्री है। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स एक्चुअली पर्सलेन भी सन लविंग प्लांट होता है। अच्छी क्वालिटी के फूल पाने के लिए इन्हें कम से कम 25-30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और कम से कम 4-5 घंटे की धूप। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है इनके फूलों का साइज और इनकी संख्या कम होती चली जाती है। आज 22 नवंबर है और सर्दियां शुरू होने वाली हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि हमारे पर्सलेन पर बहुत ही कम फूल खिल रहे हैं और जो थोड़े बहुत फूल खिल रहे हैं उनका साइज भी बहुत ही छोटा है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी इन पर फूल आना धीरे धीरे बंद होता चला जाएगा और फिर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च के महीने में पर्सलेन पर फूल नहीं आएंगे। फ्रेंड्स आज मैं आपसे इस बारे में कुछ बातें शेयर कर रहा हूं कि आप अपने पर्सलेन के प्लांट को अगले सीजन के लिए किस प्रकार सेव करें। फ्रेंड्स आप अपने पर्सलेन के प्लांट को अपने गमले या हैंगिंग बास्केट से इस प्रकार किसी गार्डनिंग टूल से जड़ सहित निकाल लें। और गमले से निकालकर अपने सारे पर्सलेन के प्लांट्स को इस प्रकार नीचे की तरफ से पकड़कर इकट्ठे करके एक बंच बना लें और इन्हें एक ही गमले में एक साथ लगा लें। चाहे आपके पास कितने भी गमले हों लेकिन हर गार्डनर के पास गमलों की कमी बनी ही रहती है, इसलिए आज हम ब्रेड के खाली पैकेट को ग्रोइंग बैग बनाकर इसमें नेक्स्ट सीजन के लिए पर्सलेन के पौधे सेव करेंगे। आप देख रहे हैं यह मेरा एक खाली ब्रेड का पैकेट है जिसे मैं ऊपर की तरफ से 2 इंच के लगभग काट रहा हूं क्योंकि इसकी लंबाई बहुत अधिक महसूस हो रही है और इसके बाद हम इसे इस प्रकार फोल्ड करके किसी पेपर पंच की मदद से इसमें ड्रेनेज होल बना लेंगे। फ्रेंड्स फिर हम इसे ऊपर की तरफ से लगभग 2 इंच अंदर की तरफ को मोड़ लेंगे और इस प्रकार हमारा टेम्परेरी ग्रोइंग बैग बनकर तैयार हो जाएगा। और फिर हम 50% अपने गार्डन की सॉइल तथा 50% को मिलाकर ग्रोइंग सॉइल तैयार करके अपने ब्रेड से बनाए गए पैकेट में 1/3 भरेंगे यानी आधे से थोड़ा कम भरेंगे। उसके बाद हमने जो पर्सलेन के पौधे अपने गमले से निकालकर बंच बनाकर रखा था उसे इस प्रकार नीचे की तरफ से यानी कि जड़ की तरफ से पकड़कर इस प्रकार ग्रोइंग बैग में लगा देंगे और फिर इसके चारों तरफ मिट्टी डाल देंगे।
फ्रेंड्स, फिर उसके बाद मिट्टी को चारों तरफ से हाथ की उंगली से दबाकर सेट कर देंगे। और फिर इसमें पानी डाल देंगे। अब देख रहे हैं कि हमारे पर्सलिन के पौधे अगले साल के लिए लगकर तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें ऐसे स्थान पर रखेंगे जहां पर कम से कम 3-4 घंटे की धूप आती हो, क्योंकि सर्दियों में वैसे ही टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए इन्हें छायादार जगह पर न रख करके धूप वाली जगह पर रखेंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पर्सलिन के प्लांट को ब्रेड के पैकेट में लगाकर धूप वाली जगह पर रख दिया है। उसके बाद हम कैंची से अपने पर्सलिन के पौधों की डेड हेडिंग कर देंगे। डेड हेडिंग यानी अपने पर्सलिन के पौधों के सूखे फूल तथा सीड पॉट्स को कट करके हटा देंगे, क्योंकि पर्सलिन भी सैकुलेंट फैमिली से होता है, इसलिए इसे भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम बहुत कम पानी देंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो में बताए गए तरीके से आप भी अपने पर्सलिन के पौधे को अगले साल के लिए सेव करके रखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स तथा रिलेटिव्स को शेयर करें, हो सकता है इसमें दी गई जानकारी उनके काम आ सके। हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।